तो कई बार दोस्तों हम ऐसे सेंटेंसेस भी बोलते हैं जैसे कि मैंने वहां जाने का मन बना लिया है, या फिर मैंने ये वाला काम करने का मन बना लिया है, या फिर मैंने वो वाला काम करने का मन बना लिया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। तो देखिए, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा मेड अप। मेड अप का मतलब होता है बना लिया। अब देखिए, इसको आप अपने सेंटेंस में किस तरह से यूज करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी कि हैज, हैव, इज, एम, आर, जो भी आप बोलना चाहते हैं वो आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। उसके बाद आपको यूज करना है मेड अप। अब एक बात और याद रखिए, यहाँ पर जो मेड है इसके स्थान पर आपका टेंस के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि जैसे कि मैं अभी वहां जाने का मन बना रहा हूँ, यानी कि ये कार्य अभी भी आप सोच रहे हैं, तो पूरी तरह से बनानी है तो इसमें आप मेकिंग का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिलहाल के लिए मेड अप का यूज कर दिया है। और उसके बाद आपको यूज करना है अपने अदर वर्ड्स या फिर ऑब्जेक्ट, आप जो भी बोलना चाहते हैं वो आपको सबसे लास्ट में बोल देना है। तो इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि मैंने वहां जाने का मन बना लिया है, आई हैव मेड अप माई माइंड टू गो देयर। नेक्स्ट देखिए, उसने तुमसे मिलने का मन बना लिया है, इसकी इंग्लिश देखिए क्या होगी, ही हैज मेड अप हिज माइंड टू मीट विद यू या फिर टू मीट यू। तो इस तरह से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, उसने यहाँ आने का मन बना लिया है, ही हैज मेड अप हिज माइंड टू कम हेयर, यानी कि यहाँ पर आने का उसने मन बना लिया है। तो इस तरह से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि तुमने इंग्लिश सीखने का मन बना लिया है, तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में हमें जवाब देना है। तो वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। थैंक यू।